सैंपलिंग थ्योरी के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज का जो लेक्चर है वो एरर इन सैंपल सर्वे इस पर बेस्ड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एरर्स इन सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे के पूरे प्रोसीजर में डिफरेंट स्टेजेस पर जो एरर अकर होते हैं यहाँ पर उनकी स्टडी में ही हमारा इंटरेस्ट है। इसके एक छोटे से ओवरव्यू की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, सैंपलिंग एरर और दूसरे नॉन सैंपलिंग एरर। इन दोनों एरर के अलग अलग कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, उन सब को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग एरर के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एरर इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू एक्सक्लूड और इंक्लूड द सर्टेन यूनिट्स और इंडिविजुअल्स इन होल प्रोसेस ऑफ द सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे के पूरे प्रोसेस में किसी यूनिट के इंक्लूजन या एक्सक्लूजन की जो टेंडेंसी होती है और उसकी वजह से पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता, तो वो टर्म क्या कहलाएगा? एरर। द एरर इन्वॉल्व इन द डेटा कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग टू हेड्स। डेटा कलेक्शन से लेकर उसके प्रोसेसिंग और एनालिसिस तक के बीच में जो एरर की पॉसिबिलिटी होती है वो दो हेड में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट है सैंपलिंग एरर और दूसरा है नॉन सैंपलिंग एरर। तो सैंपलिंग एरर से ये बिल्कुल क्लियर है कि जब डेटा कलेक्शन करने से पहले सैंपलिंग फ्रेम डिजाइन किया जाता है और उसमें जब सैंपलिंग की जाती है उस स्टेज पर जो इन्वेस्टिगेटर या स्टैटिस्टिशियन के थ्रू एरर की संभावना बन जाए तो वो सैंपलिंग एरर कहलाता है। बेसिकली व्हेन द स्टैटिस्टिशियन और इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर परफॉर्म सैंपलिंग एंड एट द स्टेज ऑफ सैंपलिंग द एरर अकर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं द एरर्स ओरिजिनेटेड ओनली फ्रॉम सैंपलिंग इज कॉल्ड सैंपलिंग एरर। ये बिल्कुल एक सिंगल लाइन में याद रख लीजिए कि सैंपलिंग जब कंडक्ट करेंगे उस स्टेज पर जो एरर अकर होगा वही कहलाएगा सैंपलिंग एरर। इसका फील्ड से डेटा कलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो एक अलग स्टेज होता है जिसमें नॉन सैंपलिंग एरर अकर होता है। इट अकर्स व्हेन इन्वेस्टिगेटर डज नॉट सेलेक्ट ए सैंपल दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ डेटा। ये उसी समय की बात होती है जब सैंपलिंग परफॉर्म किया जाता है। इट इज अफेक्टेड बाई ए नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग सैंपल साइज, सैंपल डिजाइन, सैंपलिंग फ्रैक्शन एंड द वेरिएबिलिटी विद इन द पॉपुलेशन। इसके इतने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से सैंपलिंग एरर अकर होता है। सेकेंड आता है नॉन सैंपलिंग एरर। आप यहाँ पर देख सकते हैं द नॉन सैंपलिंग एरर अराइजेस एट द स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन एसर्टेनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। बेसिकली इस टाइप के जो एरर होते हैं वो फील्ड सर्वे में, डेटा प्रोसेसिंग में, डेटा स्क्रूटनी में, टेबुलेशन के समय, रिपोर्ट राइटिंग के समय देखने को मिलता है। दिस इज द रीजन व्हाई द नॉन सैंपलिंग एरर प्रेजेंट्स इन बोथ द सेंसस एंड द सैंपल सर्वे। तो अभी तक ये क्लियर हो चुका होगा कि सैंपलिंग के स्टेज को छोड़कर बाकी किसी भी स्टेज में जो एरर अकर होगा वो सारे नॉन सैंपलिंग एरर कहलाएंगे। जैसे कि नॉन सैंपलिंग एरर सेंसस और सैंपल सर्वे इन दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं। अभी हम नॉन सैंपलिंग एरर के जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नॉन सैंपलिंग एरर कैन अकर एट एवरी स्टेज ऑफ द प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ सेंसस और सैंपल सर्वे। आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉन सैंपलिंग एरर्स अराइजेस ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, इफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्वे आर नॉट स्टेटेड क्लियरली। क्लियर सी बात है कि अगर ऑब्जेक्टिव आपको डेफिनेट तरीके से पता नहीं होगा तो उस केस में जो एरर की संभावना होगी वो नॉन सैंपलिंग एरर से आता है। इट मे रिजल्ट इन इंक्लूजन ऑफ द यूनिट्स विच आर नॉट टू बी इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूजन ऑफ द यूनिट्स विच आर टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। सपोज कि आपका कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि स्टडी से रिलेटेड डेटा हॉस्पिटल रिकॉर्ड से मिलेगा लेकिन ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो उस केस में हॉस्पिटल के अलावा कुछ और भी इंक्लूजन क्राइटेरिया हो सकता है जिससे जो डेटा कलेक्ट होकर के आएगा वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इस केस में जो एरर आएगा वो कहलाएगा नॉन सैंपलिंग एरर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस टाइप के यूनिट को इंक्लूड करना था वो इंक्लूड ना होकर के एक्सक्लूड हो गया और जिसको एक्सक्लूड करना था वो इंक्लूड अगर हो जाए तो इसकी वजह से जो एरर आएगा वो कहलाएगा नॉन सैंपलिंग एरर। पॉइंट नंबर टू है डेटा स्पेसिफिकेशन बीइंग इनएडिक्वेट एंड इनकंसिस्टेंट
विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। आपके जो स्टडी का ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर डेटा का कलेक्शन नहीं हुआ है तो भी एरर की जो संभावना होगी वो एरर कहलाएगा, नॉन सैंपलिंग एरर। थर्ड पॉइंट है एरर ड्यू टू इल डिजाइन क्वेश्चनायर। अगर आपने क्वेश्चनायर हो या शेड्यूल हो या चेकलिस्ट हो, डेटा कलेक्शन के लिए जिस किसी टूल का भी डिजाइन आपने किया है उसमें क्वेश्चन का डिजाइन सही तरीके से नहीं किया गया है जिससे कि एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए, तो उससे भी जो एरर जनरेट होगा वो कहलाएगा नॉन सैंपलिंग एरर। तो ये एक इल डिजाइन क्वेश्चनायर का भी फैक्टर होगा। फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ ट्रेंड एंड क्वालिफाइड इन्वेस्टिगेटर्स एंड लैक ऑफ सुपरविजन। इस कंडीशन में भी नॉन सैंपलिंग एरर का प्रॉब्लम हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो फुल्ली ट्रेंड नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, या फील्ड वर्कर के साथ उसका सुपरविजन सही नहीं है, तो भी डेटा कलेक्शन जब नहीं हो पाएगा तो उस केस में जो सैंपल सिलेक्ट होकर आएगा उसमें जो एरर होंगी वो कहलाएगा नॉन सैंपलिंग एरर। फिफ्थ पॉइंट है एरर्स ड्यू टू लैक ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज प्रोवाइडेड बाय द रिस्पोंडेंट। थर्ड पॉइंट में क्या था कि क्वेश्चनायर इल डिजाइंड है, लेकिन आपकी क्वेश्चनायर यहां पर सही है और जो डेटा आपको रिस्पोंडेंट से मिलना था रिस्पोंडेंट ने आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो जो डेटा कलेक्ट होकर के आएगा वो इल रिस्पॉन्स हो जाएगा और उसकी वजह से आपके स्टडी में जो सैंपल है वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ड्यू टू दिस रीजन द एरर अकर्ड इन द स्टडी इज कॉल्ड नॉन सैंपलिंग एरर। सिक्स्थ नंबर पॉइंट है ड्यू टू एरर इन वेरियस ऑपरेशंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग सच एज एडिटिंग एंड कोडिंग ऑफ द रिस्पॉन्सेज टेबुलेशन एंड समराइजेशन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्शन होकर के आया उसकी प्रोसेसिंग में कोई एरर हो, एडिटिंग में, कोडिंग में, उसके एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम हो, रिस्पॉन्स की कोडिंग हो उसमें प्रॉब्लम हो, उस डेटा से टेबुलेशन अगर ठीक ढंग से ना हो तो उस केस में जो एरर जनरेट होगा वो कहलाएगा नॉन सैंपलिंग एरर और उसकी वजह से पूरे डेटा का समराइजेशन भी करेक्टली नहीं हो सकता है, तो इस कंडीशन में ये भी एक फैक्टर होगा नॉन सैंपलिंग एरर का। और लास्ट आता है सेवेंथ नंबर द नॉन सैंपलिंग एरर मे बी कमिटेड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन एंड प्रिंटिंग द रिजल्ट। आपने पूरा काम कर लिया, सब कुछ सही है, इसके बाद जब प्रेजेंटेशन की बारी आई तो उस समय कुछ एरर हो गया, रिजल्ट को जब प्रिंट करा रहे हैं उस समय कुछ एरर आ गया, मशीन प्रॉब्लम हो गई या फिर ह्यूमन एरर हो गया, तो उससे रिलेटेड जो भी एरर जनरेट होंगे वो सब कहलाएंगे नॉन सैंपलिंग एरर। तो अभी तक आप ये समझ चुके होंगे कि सैंपलिंग एरर और नॉन सैंपलिंग एरर क्या होता है। आपने सैंपलिंग एरर में ये देखा कि सैंपलिंग के टाइम में इन्वेस्टिगेटर के थ्रू या स्टैटिस्टिशियन के थ्रू या रिसर्चर के थ्रू जो भी एरर जनरेट होता है वो कहलाता है सैंपलिंग एरर। इन दोनों में एक छोटा सा ये डिफरेंस भी है, आप इसको याद रख सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा जिसमें मैंने टाइप ऑफ सैंपलिंग एरर के बारे में यहां पर डिस्कशन किया था, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने इन सारी चीजों को नोट कर लिया होगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, ये फुल्ली रिटेन सपोर्ट के साथ यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है और इसके कॉन्सेप्ट को भी मैंने समझाने का फुल्ली प्रयास किया है। आप डेफिनेटली सैंपलिंग एरर और नॉन सैंपलिंग एरर के बारे में समझ चुके होंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट एक्टिविटी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरे इस एफर्ट को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करते रहिए ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो कंटेंट से फुल्ली हेल्प मिल सके। फ्यूचर में नेक्स्ट स्कॉलर बनने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ अटैच रहिए। फिलहाल वीडियो ट्यूटोरियल के साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।